दांत टूट गया था। अरे बाप रे, हाँ तेल के दाल में थोड़ा वो कंकर निकालते नहीं है वो लोग, तो मैं दाल खा रहा था तो चबाया तो कंकर ने मेरे दांत को तोड़ दिया, तो मुझे ले गए हॉस्पिटल। तो वो जो मेन डॉक्टर था वो जेल वाला वही था। अरे मैं बोला ये क्या कर रहा है वो, मैंने देखा कि वो एक कैदी को इंजेक्शन दे रहा था लेकिन उसका पैजामा नीचे नहीं, थ्रू द पैजामा इंजेक्शन दे रहा था। तो मैंने बोला ये क्या कर रहा है यार, बोले नहीं नहीं टाइम कहाँ है अभी, पैजामा नीचे करो, कितने लोग खड़े देखो इधर। तो मैंने बोला दांत वाला कहाँ है, बोले मैं ही हूँ, चल लेट जाए अभी। अरे मैंने बोला दांत आप कैसे निकालोगे, बोले आकर आके वो ऐसा प्लायर लेके खींच दिया। ये हादसा हुआ था। संजय सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने काफी टाइम जेल के अंदर स्पेंड किया तो वहाँ पे तो खाने की मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपने वहाँ पे भी कुकिंग की है? वहाँ पे कुकिंग अलाउड नहीं है, वहाँ इतना वो मतलब नॉनवेज नहीं, सिर्फ वेज है, कभी कभी नॉनवेज मिलता है। तो एक वक्त है वहाँ पूना में जहाँ वो ये लोग सब यात्रा पे निकलते हैं पंढरपुर, तो वो जो यात्रा है जेल के पास में से निकलती है, तो वहाँ वो लोग कैंप करते हैं काफी देर, और उस दौरान जेल में मक्खियां बहुत आ जाती हैं, मतलब करोड़ों में मक्खियां। तो अभी हम लोग जैसे कि दाल या कुछ खा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ 50-60 मक्खियां आ जाती हैं, गिर जाती हैं, मर जाती हैं। तो मैं और मेरा दोस्त था, तो मैं वो मक्खी निकाल के फेंक के मैं दाल खाता था। तो बोला यार तू ऐसा कैसे खा रहा है, मैंने बोला तू खा ले यार अभी कितना टाइम नहीं खाएगा। हाँ तो बोला नहीं नहीं मैं मक्खी वाला दाल नहीं खा सकता। मैं बोला देख तेरे को प्रोटीन मिलता है क्या? नहीं ना। मैंने बोला मक्खी प्रोटीन समझ के खा ले।